अब फ्रेंड्स हम देखते हैं इनवर्स ऑफ आ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका इनवर्स मैट्रिक्स किस तरह से निकाला जा सकता है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट आ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन सच दैट, यानी ए जो है वो भी ऑर्डर एन का है और उसका इनवर्स मैट्रिक्स है वो भी ऑर्डर एन का होगा। किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा हो बी हमारे पास, ए बी बराबर बी ए, यानी ए का बी से मल्टीप्लाई करें, बी का ए से मल्टीप्लाई करें हम, तो उस कंडीशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा हो। उस कंडीशन में हम कहेंगे तो बी जो है मैट्रिक्स वो ए का इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है और बी को हम ए इन्वर्स से डिनोट करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं बी को हम ए इन्वर्स से डिनोट करते हैं। द इन्वर्स ऑफ ए इज गिवन बाई ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालते हैं पहले, जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था एडजॉइंट ए निकालते हैं, उसको हम डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डिटरमिनेंट ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये एक नेसेसरी कंडीशन है, कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसके लिए डिटरमिनेंट हो ए का वो नॉट इक्वल टू जीरो। द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फोर आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू पोसेस द इनवर्स इज दैट मोड ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है, अगर ये इक्वल टू जीरो होगा तो हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एडजॉइंट ए किस तरह से निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमने अभी पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ये देख सकते हो आप। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम सबसे पहले कोफिशियंट निकालते हैं। तो कोफिशियंट निकालने के लिए कोफिशियंट किस तरह से निकालते हैं, तो कोफिशियंट निकालने के लिए हमें यहाँ जाना, कोफैक्टर निकालने के लिए हमें यहाँ जाना होगा। कोफैक्टर निकालने के लिए सपोज कि हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ए, इसका हमें पहले माइनस निकालना होता है। तो फ्रेंड्स माइनस क्या होता है, सपोज ये हमारे पास मैट्रिक्स है, सॉरी ये मैट्रिक्स है पूरा, और इसमें हमें ए वन वन का माइनस निकालना है। तो ए वन वन का माइनस निकालने के लिए हम ए वन वन वाले रो को और ए वन वन वाले कॉलम को डिलीट करके जो मैट्रिक्स बचेगा हमारे पास, जो मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटरमिनेंट, जैसे इसको डिलीट करने के बाद हमें ये बचा ये मैट्रिक्स बचेगा इसका डिटरमिनेंट, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आ गया। इस तरह से ए वन टू के लिए हम इस तरह से निकाल सकते हैं, इस रो को सॉरी इस कॉलम को एंड इस रो को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगा, यानी ये फर्स्ट कॉलम बच जाएगा सेकंड कॉलम मैट्रिक्स का, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटरमिनेंट, और उसके बाद हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर किस तरह से निकालते हैं, उसमें माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे का मल्टीप्लाई करते हैं, जो माइनस होता है उसमें जब हम ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद हम निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स और कोफैक्टर ए, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होता है वो इस तरह से ए वन वन इस तरह से निकाला जा सकता है, जैसे ए वन वन के करस्पॉन्डिंग निकाला तो वो कैपिटल ए वन वन दे दिया, ए वन टू के करस्पॉन्डिंग निकाला तो कैपिटल ए वन टू दे दिया, इस तरह से ये। फिर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला होता है, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के लिए बेसिकली जो रो होती है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, यहाँ पे इस तरह से चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए निकालने के बाद फ्रेंड्स इनवर्स निकालना ईजी हो जाता है। एडजॉइंट ए निकालने को एडजॉइंट ए को हम अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स होगा।